सीमा हैदर व अंजू के बाद डूंगरपुर की युवती सुर्खियों में आ गई है। दो बच्चों की मां समुदाय विशेष युवक के साथ कुवैत भाग गई है। विदेश जाने के बाद महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। वही उसका एक फोटो सामने आया है जिसमें वो अपने प्रेमी के संग बुरका डाले हुए खड़ी है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के भेवाई गाँव में दो बच्चों की माँ को समुदाय विशेष के युवक द्वारा विदेश में भगा कर ले जाने का मामला सामने आया है। ऐसा परिजनों ने व समाज के लोगों ने डूंगरपुर एसपी पहुंचकर युवक पर विदेश पर ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाने के साथ ही महिला को वापस लाने की मांग एसपी से की है। महिला के पति ने बताया कि उसकी शादी 14 साल हो गए, दोनों का एक बेटा एक बेटी है। वह खुद मुंबई में नौकरी करता है। 2 जुलाई को उसकी पत्नी ने तबीयत खराब होकर बताया कि गुजरात के खेड़ बुरंबा चली गई है। वह अक्सर बीमार होने पर आना जाना करती थी। 2 जुलाई को उससे शाम को बात हुई, इसके बाद उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वहीं उसके बाद उसने एक बार फ़ोन कर बताया कि वह बाहर चली गई है। इसके बाद उसके मुस्लिम समाज के महिलाओं का बुरखा पहने फोटो वायरल हुआ जिसमें वह इरफान हैदर निवासी नवागढ़ हिम्मतनगर गुजरात के साथ है। पति ने बताया कि आरोपी इरफान हैदर उसकी इस पत्नी का ब्रेनवॉश कर भगा ले गया, उसको कुवैत ले जाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया। आरोपी ने अपना नाम पता छुपाते हुए उसकी पत्नी को झांसे में दिया। शादीशुदा होते भी आरोपी उसे भगा कर ले गया। इधर आज सर्व समाज व परिजन ने एसपी डूंगरपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उसकी पत्नी को वापस लौटाने की मांग रखी है। 10/7/2023 को अकेली गई थी, मेरे को बोली, मैं मुंबई में था, मेरे को बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है, वो हमेशा जाती थी तो मैंने विश्वास किया जाती आती है तो आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बाद में शाम को फ़ोन किया 4 बजे, वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुँची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुँच नहीं पाई हूँ। हमेशा कभी एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है गाड़ी लेट ऐसा, तो मैं ठीक है करके शाम को फ़ोन करती है करके उसने फ़ोन रख दिया। फिर शाम को मैंने बात की तो बुलाया गया, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, मेरी कुछ बात बात हुई नहीं है, मेरी रिपोर्ट कल होगी ऐसा करके उसने बताया। फिर कल रिपोर्ट की उसने, फिर बोला मैं आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगी। फिर शाम को घर नहीं पहुंची, फिर मेरे को मेरा कॉल भी उसने फिर रिसीव करना बंद कर दिया। बाद में भैया दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सअप कॉल आया, लोकल कॉल लगा नहीं, व्हाट्सअप कॉल से उसने कॉल किया मेरे को। तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार नहीं। फिर बात